नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर सामने आई है। बी टाउन की जगमगाती दुनिया के पीछे काले कारनामे भरे पड़े हैं, जो अब धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। इन काले कारनामों को सुन लोग हैरान रह जाते हैं। कई स्टार्स ड्रग्स के नशे में चूर हैं और अब ये चीज़ें सामने भी आ रही हैं। बॉलीवुड में होने वाली पार्टीज़ में ड्रग्स मिलता आम बात हो जाती है। जहाँ कुछ स्टार्स इन नशों से बचने की कोशिश करते हैं, तो वहीं कुछ इसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल टीवी शो कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी क्लास के मशहूर कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर का है। जी हाँ, आपने भी इन्हें ज़रूर देखा होगा, काफ़ी अच्छे ये अपनी कॉमेडी कर लेते हैं। लेकिन सिद्धार्थ सागर फिर से ड्रग्स की आदत में लग चुके हैं। हाल ही में सिद्धार्थ पुलिस को बहुत बुरी हालत में मिले थे, जिसके बाद उन्होंने उनकी माँ को फ़ोन कर दिया था और इसके बारे में जानकारी उनकी माँ को दी थी। सिद्धार्थ को रिहैब सेंटर में भर्ती करवाया गया था और वहाँ उनका इलाज भी चल रहा था। उनकी माँ ने बताया कि सिद्धार्थ बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और इसके साथ उन्हें नशे की लत लग चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले वे शूट से गायब हो गए थे। वे जी कॉमेडी शो में काम कर रहे थे, जिसकी जज फराह खान है। हालांकि कुछ समय में वे शूट पर नहीं दिखे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बेहद ही खराब हालत में पाया और उनकी मां को तुरंत फ़ोन कर दिया गया, जो उस वक्त दिल्ली में थी और ये शूटिंग मुंबई में चल रही थी। इस बारे में सिद्धार्थ की माँ ने कहा कि मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था कि सिद्धार्थ की हालत गंभीर है, ख़राब है, उसे केवल मेरा नाम और नंबर ही याद है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उसे वापस ले जाने के लिए कहा। ये दुख की बात है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो कोई दोस्त या कोई शुभचिंतक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। मैं ही उनकी माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो इस समस्या से जल्दी बाहर निकले। उन्होंने आगे कहा कि हमने उसे बाइपोलर की दवाइयाँ देना शुरू की थी, लेकिन उसके बीच ही उन्होंने छोड़ दी वो दवाइयाँ खाना और वो दवा लेना बंद कर गए। मुझे लगता है कि कहीं कुछ तो सही नहीं है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बार बार अब हो रही हैं। वे अपने करियर में इतना अच्छा कर रहे हैं। पिछली बार कुछ लोगों ने उसे इतना ठगा था कि उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं बचे थे। लेकिन वो उम्मीद करती हैं कि वे अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को समझें, अपने आप को संभालें और नशे से दूर रहने की कोशिश करें। एक्सएन लाइफ की रिपोर्ट।